सो हे गाइस, कैसे हो यार। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम लवर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप MPL में वेरीफाइड टिक कैसे ले सकते हो। तीन तरीके हैं वेरीफाइड टिक लेने के, तो वही आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यार, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा पहला तरीका है MPL पे वेरीफाइड टिक लेने का, वो है टूर्नामेंट को जीतना। अब गाइस, छोटे मोटी टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप 5,000 फर्स्ट रैंक पे आते तो वो आपको मिल जाएगा, वो वाला टूर्नामेंट नहीं भाई। जो MPL है ना, एक दो महीने के अंदर एक टूर्नामेंट लाती है, जो कि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। जैसे कि हो गया, अगर आप उस टूर्नामेंट को जीतते हो यानी कि फर्स्ट रैंक पे आते हो तो आपको 1,00,000 मिलेगा। वो वाले टूर्नामेंट अगर आप जीतते हो तो आपको MPL पे वेरीफाइड टिक ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। क्योंकि जो मेरा एक क्लोजली एक फ्रेंड है, जो ऑनलाइन फ्रेंड है, तो वो उसको वेरीफाइड टिक मिल रखा है। तो उसने मेरे को बताया, मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को वेरीफाइड टिक कैसे मिला MPL पे। तो उसने बोला, मैं एक MPL में रन आउट गेम था, उसमें मेरे को टूर्नामेंट था और फर्स्ट रैंक पे मेरे को 1,00,000 मिलने थे, तो मैं वो जीत गया और मुझे वो वेरीफाइड टिक अपने आप ही मिल गया। तो गाइस, इस तरह से आपको वेरीफाइड टिक जो है मिल जाएगा बड़े टूर्नामेंट जीतने का। अब हम भाई दूसरे ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो हमारा दूसरा तरीका है MPL पे वेरीफाइड टिक लेने का, वो है सेलिब्रिटी। आपने MPL पे कुछ लोगों को देखा होगा, उन लोगों का वेरीफाइड टिक लग रखा है, और अगर आप उसके प्रोफाइल पिक्चर को खोलते हो और उसके आईडी को देखते हो, MPL आईडी को, तो उसका जो है ना लेवल है वो स्टील होता है, और मतलब लगभग उसने कोई गेम नहीं खेल रहा हो लग रखा होता है, तभी भी उसका जो है ना भाई वेरीफाइड टिक लग रखा होता है। भाई नो एक्टिविटी है MPL पे, तभी भी वेरीफाई का टिक क्यों? तो भाई वो सब सेलिब्रिटी होते हैं, उन लोगों को MPL खुद बुलाते हैं। जैसे कि हो गया, मतलब YouTube से हो गया अमित बनाना। अब अमित बनाना को वो MPL वाले खुद मतलब रेकमेंड करेंगे कि भाई आप मेरे MPL पे आ जाओ, और मतलब ऑडियंस को मतलब एंटरटेन करो, यानी कि यूजर को एंटरटेन करो ऑडियो शो के द्वारा। तो भाई उन लोगों को उस तरह से बुलाया जाता है MPL पे, और फिर वो तो भाई सेलिब्रिटी, तो अपने आप ही वेरीफाई का टिक उसे दे दिया जाता है, और उसके बदले भाई मतलब जैसे अमित वडाना है और उसको बुलाया, तो MPL वाले उसको पैसे देते हैं भाई MPL ऑडियो शो करने का। तो जिन लोगों का मतलब वेरीफाइड टिक लग रखा है और मतलब उसका लेवल स्टील है, तो समझ लो भाई वो सेलिब्रिटी है, और उसको भाई मतलब MPL वालों ने पर्सनली बुलाया है, और उसको पैसे के मतलब उसे उसको पैसे दिए जाते हैं मतलब MPL ऑडियो शो करने के। तो ऐसे लोग अगर आप देखते हो तो समझ लो वो सेलिब्रिटी हैं। तो इस तरह से भी वेरीफाइड टिक मिल जाता है इजीली। तो गाइस, जो हमारा तीसरा तरीका है वेरीफाइड टिक लेने का, वो है रूबी क्लास। अगर आप रूबी क्लास पे आ गए हो और अभी तक आपको वेरीफाइड टिक नहीं मिला है, तो भाई आपको MPL टीम को मतलब MPL टीम से बात करनी चाहिए, नहीं तो MPL के कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए। MPL का कस्टमर केयर का नंबर जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके MPL के कस्टमर केयर को बात कर लेना। आपको क्या करना है बात कि भाई मैं मतलब रूबी पे आ गया हूँ और अभी तक मेरे को वेरीफाई का टिक नहीं मिला है। अगर आप रूबी पे, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि एक दो रुपये जीत के जाओगे, आपने कोई तो कोई बड़ा वाला टूर्नामेंट जीता होगा और अभी तक आपको वेरीफाई का टिक नहीं दिया गया है, तो आप इजीली भाई मतलब कस्टमर केयर को कनेक्ट करके उससे कॉल करके आप बोल सकते हो कि मेरे को अभी तक वेरीफाई का टिक नहीं मिला है, या आप मतलब MPL के टीम से भी बात कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप मतलब MPL पे वेरीफाई टिक ले सकते हो। तो गाइस, आप इस तीन तरीके से इजीली वेरीफाई टिक ले सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को दोबारा कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।